भारतीय रंगमंच और फिल्मी दुनिया के कलाकार राजा बुंदेला आज बिलासपुर के दौरे पर हैं। राजा बुंदेला ने शोला और शबनम और अंकुश जैसी कई फिल्मों में काम किया है। उनसे खास बातचीत की संवाददाता अमन पांडे ने। भारत के जाने माने रंगकर्मी और भारत की बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों जैसे कि शोला और शबनम, इन जैसी फिल्मों में काम करने वाले कलाकार श्री राजा बुंदेला जी हमारे साथ हैं, सीधे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो बिलासपुर में आपका बहुत स्वागत है। इस सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई? इतना लंबा आपका सफ़र है कि यहाँ से उसकी शुरुआत हुई, किस तरह आपने उसको की? धन्यवाद। सबसे पहले आपका और ये शहर बिलासपुर का बहुत सालों से नाम सुना, लेकिन आना पहली बार हो रहा है। खूबसूरत शहर है और आप जैसे खूबसूरत और अच्छे डॉक्टर साहब जैसे अच्छे लोग हैं। ये प्रारब्ध होता है, कोई आदमी किसी चीज़ के लिए सोच ले ये बनना है वो करना है। कुछ ही लोगों के शायद जीवन में ऐसा होता होगा कि जैसा सोचा वैसा हुआ। मेरा सिनेमा से बहुत कम या रंगमंच से कहीं कोई दूर दूर तक कोई रिश्ता और नाता नहीं था। हम लोग एक राजा रजवाड़े जो पुराने ज़माने के जो थे ऑर्थोडॉक्स, उस परिवार से मैं आता हूँ। वहाँ पर नाचना गाना बड़ा हेज समझा जाता था। फिर दिल्ली गया और दिल्ली में किसी ने मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की बात बताई। बोले आपका चेहरा अच्छा है, कॉमेडी वॉमेडी भी कर लेते हो। तो ऐसे ही हमने रघुवीर यादव ये सब हमारे साथी हैं, वहाँ से पास आउट किया। फिर पूना फिल्म इंस्टीट्यूट गए, वहाँ काम किया, थोड़ा इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग ली। और फिर किस्मत आगे जिस तरह से बहाती गई, चलाती गई, चलते गए। बट इट वॉज ए ब्यूटीफुल जर्नी। समय के साथ सिनेमा भी बदला है, OTT का ज़माना आ गया है। OTT के आने के बाद फिल्म जो है उनमें भाषा बदल गई है, जो चित्र जिस तरह से दिखाए जाते थे वो बदल गए हैं, किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, परिवर्तन केवल सिनेमा में नहीं हुआ है। अब देखिए, चारों ओर से परिवर्तन हुआ है। सिनेमा उसका एक अंग है, एक अंश है। और कई बार परिवर्तन आपका बहुत अच्छा भी होता है और बहुत बुरा भी होता है, लेकिन परिवर्तन ही सच्चाई है इस दुनिया में। OTT आने से यह हुआ है कि बहुत सारे लोगों को अपने परफॉर्मेंस के लिए, अपने कला का, अपना हुनर का एक प्लेटफॉर्म मिल गया। कैमरा पर्सन कैलाश यादव के साथ अमन पांडे, बंसल न्यूज़, बिलासपुर।